एमवीपी मॉडल व्यू प्रेजेंटर। तो मॉडल व्यू प्रेजेंटर हम अपनी एंड्रॉयड ऐप में क्यों यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है, और कहाँ पे यूज़ करते हैं, और इसका यूज़ क्यों करना पड़ा, जबकि हमारे पास पहले से ही एमवीसी था, मॉडल व्यू कंट्रोलर था, बट हमको एमवीपी क्यों यूज़ करना पड़ा। तो इस सबको हम बिल्कुल डिटेल में स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एमवीपी, एमवीपी क्या होता है? मॉडल व्यू प्रेजेंटर, ये एक तरह का प्रेजेंटर होता है, ठीक है। इससे पहले हम एमवीसी यूज करते थे, जो कि मोस्ट ऑफ द डेवलपर वही यूज करते थे। तो एमवीसी पे मैंने पहले ही एक वीडियो बना रखी है, ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो। तो अगर आपने वो वीडियो ना देखी तो वो भी आप जाके चेक कर लेना। तो एमवीसी क्या था कि ताकि मोस्टली प्रोग्रामर वो वाला प्लेटफॉर्म यूज करते थे। तो अब ये जो नवा आया है एमवीपी, इसका यूज क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें है प्रेजेंटर, ये उससे डिफरेंस है। तो डिफरेंट क्या है? मॉडल व्यू प्रेजेंटर, मॉडल तो सेम रहेगा जैसे एमवीसी में था, कि मॉडल में क्या होता है कि डेटा से रिलेटेड होता है, कि डेटाबेस के साथ इंटरफेस करेगा, ठीक है। उसके बाद था व्यू, व्यू में क्या था, व्यू भी ऑलमोस्ट सेम था उसी की तरह, बस कुछ डिफरेंस था वो मैं आपको बता देता हूँ। व्यू में क्या था कि आपको एक तो जो स्क्रीन है, जो फोन पे स्क्रीन है वो दिखाई देगी, वो एक तरह का वो व्यू होता है, ठीक है। आपके फोन पे जो स्क्रीन दिखाई दे रही है वो एक तरह का व्यू है, तो वो होता है व्यू। इसमें क्या है, और दूसरा और लास्ट वाला होता है प्रेजेंटर। प्रेजेंटर में क्या होता है कि ये एक तरह का ब्रिज क्रिएट करता है, किसके बीच में, मॉडल और व्यू के बीच में। प्रेजेंटर एक ब्रिज क्रिएट करता है कि उन दोनों का इंटरमीडिएट होता है प्रेजेंटर, ठीक है। तो ये देखो डायग्राम है, तो इसमें देखो प्रेजेंटर जो है, प्रेजेंटर एक तरह का दोनों के बीच में इंटरमीडिएट इंटरफेस बना रहा है, मॉडल के बीच में और व्यू के बीच में, ठीक है। और अब ये देखो, ये है एमवीसी। एमवीसी का आर्किटेक्चर क्या था कि उसके अंदर क्या था कि जो हमारा कंट्रोलर था वो मॉडल और व्यू के साथ, दोनों के साथ कंट्रोल बना तो रहा था, लेकिन व्यू भी अपना एक कंट्रोल बना रहा था मॉडल के साथ, ठीक है। तो उसका मतलब क्या था कि व्यू भी मॉडल के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बना सकता था। बट अब एमवीपी में क्या हुआ कि यहाँ पे व्यू और मॉडल के बीच में कोई भी इंटरफेस नहीं है, ये एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते, कोई भी इनके अंदर, ये एक दूसरे से अननोन है, ठीक है। तो दोनों का जो कनेक्शन जो बनता है वो प्रेजेंटर के थ्रू ही बनता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि एमवीपी की जगह अब एमवीसी क्यों लाया गया। तो एमवीपी में क्या था कि कपल, उसके अंदर डेटा बहुत यूनाइटेड हुआ पड़ा था। मतलब कि आपको मैंने बताया ना कि जो कंट्रोल, एक तो कंट्रोलर था जो मॉडल और व्यू के बीच में डेटा को, जैसे व्यू पे हमने क्लिक किया तो वो डेटा कौन से, कहाँ से, कौन लेके आएगा, कंट्रोलर जाके मॉडल के पास जाएगा और वहाँ से डेटा गेट करके व्यू में शो करवाएगा, ठीक है। और दूसरा था कि व्यू भी मॉडल के साथ कनेक्ट कर सकता था डायरेक्टली। तो इसमें क्या था कि तो आपस में मर्ज हुआ पड़ा था सारा कुछ, व्यू भी मॉडल के साथ था, कंट्रोलर भी मॉडल के साथ था। तो एक कंबाइंड एक यूनिट बनी पड़ी थी जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बन गई थी, ठीक है। तो काफ़ी कन्फ्यूजिंग क्रिएट करता था, ठीक है। इसके लिए अब एमवीपी लेके आए हैं, मॉडल व्यू प्रेजेंटर। अब इसमें क्या है कि जो प्रेजेंटर है वो व्यू के साथ करेगा, व्यू के साथ, जब व्यू पे हम क्लिक, व्यू पे जो बटन है उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके क्लिक करने पे जब भी कोई भी एक्शन परफॉर्म होना होगा तो पहले वो प्रेजेंटर प्रेजेंटर के पास जाएगा, प्रेजेंटर उसको फिर चेक करने जाएगा मॉडल के अंदर। मॉडल के अंदर जो भी एक्शन होएगा, जो भी फंक्शन होएंगे, जो भी मेथड परफॉर्म करना होगा, वहाँ से उसको गेट करेगा और वापस जाके मॉडल व्यू के अंदर उसको शो करवा देगा, ठीक है। तो इसमें क्या था कि प्रेजेंटर के बिना हम कुछ नहीं परफॉर्म कर सकते, ठीक है। तो प्रेजेंटर के बिना मॉडल और व्यू के बीच में कनेक्शन क्रिएट करना, मतलब कि प्रेजेंटर के बिना मॉडल और व्यू के बीच में कनेक्शन क्रिएट ही नहीं होता, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कनेक्शन कौन क्रिएट करता है? प्रेजेंटर, ठीक है। तो प्रेजेंटर एक तरह का मीडिएटर है इन दोनों के बीच में। तो ये था डिफरेंस कि एमवीसी और एमवीपी में, कि उसमें था मॉडल व्यू कंट्रोलर और यहाँ पे है मॉडल व्यू प्रेजेंटर, ठीक है। तो ये डिफरेंस था, तभी हमने प्रेजेंटर का यूज किया है एज कंपेयर टू कंट्रोलर की जगह, क्योंकि प्रेजेंटर में क्या है कि ये सिंपल सा, हमको सामने से ही पता लग रहा है आर्किटेक्चर देखने से कि क्या कर रहा है प्रेजेंटर, व्यू के साथ इंटरेक्ट कर रहा है और देख रहा है कि अगर हमको डेटा की जरूरत है तो जाके मॉडल में से गेट कर रहा है, फिर वो वापस आके खुद दे रहा है वो, ठीक है। किसी और के थ्रू नहीं जा रहा, वो खुद ही देगा। तो मतलब कि एक तरह का क्लीन पाथ बन जाता है, दो तीनों के बीच में क्लीन पाथ बन जाता है, जो कि इजीली अंडरस्टैंडेबल है किसी भी प्रोग्रामर के लिए, किसी भी डेवलपर के लिए, ठीक है। तो इसीलिए हमने एमवीपी का यूज़ किया, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि काफ़ी इजीली अंडरस्टैंडेबल है। अगर हम इसके बेनिफिट की बात करें तो एमवीसी से ये काफ़ी अच्छा
लेयर है जो एमवीपी हम यूज कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही था। कोई भी आपका डाउट, अगर आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज मेरे को कमेंट कर देना या फिर मेरे को मेल भी कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो अगर नवे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। सो थैंक यू सो मच।